आदाब आलिया बीबी। जमील भाई जान, ये आपकी बुरी आदत है, किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दस्तक देनी चाहिए, और खासकर तब जब कमरा किसी खातून का हो। आपकी बात दुरुस्त है आलिया बीबी, मगर दस्तक तब दी जाती है जब दरवाजा बंद हो। यहाँ तो दरवाजा खुला है। फिर भी आपको दरवाजा खटखटाना चाहिए था। चलिए खटखटाते हैं। अब ठीक है भाई, हमें भी तो मालूम हो कि इस कदर इनेमाक से किसे खत लिखा जा रहा है। आपको बताना जरूरी है? बताना ना बताना आपकी मर्जी, पूछना मेरा फर्ज था। हम अब्बू को खत लिख रहे हैं, अब प्लीज हमें तन्हा छोड़ दीजिए। ओहो, मजहर चचा को, उन्हें मेरा भी सलाम लिख दीजिए। लिख दूंगी, अब आप जाइए यहां से। अरे इतनी भी क्या बेरुखी आलिया, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया था। हाँ जी बोलिए, क्या जरूरी बात है आलिया? मैं रात को सो न सका। क्यों, मच्छर काट रहे थे या खटमल? आलिया आप मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं सचमुच बहुत संजीदा हूँ। जब से आप आई हो मेरी नींद उड़ गई है। मेरी वजह से आपकी नींद उड़ गई है? जी हाँ, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ आप तसव्वुर में आ जाती हो। आपने फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने आपसे कहा है कि मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं, आप मुझसे इस तरह की बातें ना किया कीजिए। आखिर क्यों आलिया, मैं आपसे दिलोजान से मोहब्बत करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर मैं आपसे ना मोहब्बत करती हूँ और ना आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ। आप मुझसे यूं जबरदस्ती मोहब्बत नहीं कर सकते। आखिर मुझ में क्या खराबी है? माफ कीजिएगा पर आप बेपैंदे के लौटे हैं। जो कभी इस तरफ लुढ़कते हैं तो कभी उधर लुढ़कते हैं। पहले आप छम्मी से मीठी मीठी बातें करते थे और अब मुझ पे डोरे डाल रहे हैं। और कल को किसी और के साथ? मगर मैंने छम्मी को उस नजर से कभी देखा ही नहीं, वो मेरी चचा साथ बहन है बस, उसका मेरा क्या मेल है? वो अनपढ़ गवार। छम्मी अनपढ़ गवार है,
इसीलिए आप उसको इतनी गजलें सुनाते थे और उससे दाद पाते थे। जमील साहब वो अनपढ़ गवार जरूर है पर बहुत समझदार है, और उसका दिल तो आईने की तरह साफ है। आपको छम्मी की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना बताइए कि आप उनसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। नहीं, और हजार बार नहीं। आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं आजाद हिंद फौज में भर्ती होने जा रहा हूं, अब मैं यहां नहीं रह सकता। खुदा हाफिज। आइजन, गर्मी के मारे दम निकला जा रहा है, एक ग्लास मटके का पानी तो पिला। हट चुट्टन, मुझ पे अपना हुक्म मत चला। देख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ? पानी पिलाना बड़े सवाब का काम होता है। मैं दिन भर सवाब कमाती रहती हूँ, अब थोड़ा सा तू भी कमा। उठकर खुद भी पानी पी और मुझे भी पिला। तू भी क्या याद करेगी? अरे पीला ना, मेरे हाथ खाली नहीं है। अजीजन, एक बात पूछूं? पूछना। तेरी तो शादी हो गई थी ना, फिर तेरे मर्द ने तुझे क्यों छोड़ दिया? मर्द ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने मर्द को छोड़ दिया। क्यों? कमाता धमाता कुछ नहीं था और शराब पी के मुझे पीटता भी था। तूने दूसरी शादी नहीं की? इस डर के मारे नहीं की, कहीं वो भी शराबी निकला तो? अरे सब मर्द शराबी थोड़े होते हैं। अब मुझे देख, मैंने तो पूरी जिंदगी शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया। तो तेरी औरत तो तुझसे बहुत खुश होगी। नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। क्यों? कौन देगा मुझे लड़की? क्यों नहीं देगा, अभी जवान है, अच्छा भी दिखता है। तू बोलती है तो कर लेता हूँ। कोई लड़की वड़की देखी है? देखी है। कहाँ? मेरे सामने तो बैठी है। बेलन देखा है हाथों में? चल बहुत बातें हो गई। अरे तेरे बातों बातों के चक्कर में तो मैं नाश्ता करना ही भूल गया। सुबह सुबह बड़े मालिक ने सीना साहब के घर भेज दिया था, बहुत दूर रहते हैं वो। बोल क्या खाएगा? तो जो भी खिला दे, बहुत भूख लगी है। चल आज तुझे दो अंडे का ऑमलेट खिलाती हूँ। तो कितनी अच्छी हो जीजन। तू भी तो बुरा नहीं। अम्मी, एक खुशखबरी। खुशखबरी? अरे जल्दी सुना ना बेटा, खुशखबरी तो इस घर का जैसे रास्ता ही भूल गई। मुझे नौकरी मिल गई है। क्या कह रहे हो बेटा,
मुबारक हो। पांच फकीरों को खाना खिलाऊंगी अल्लाह के नाम पर। तुम्हारे अब्बू सुनकर बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो जमील मियां। ये सरकारी नौकरी है या गैर सरकारी नौकरी? ये ना सरकारी है ना गैर सरकारी। ये कौन सी नौकरी मियां? चची जान ये फौजी नौकरी है। फौजी? फौज की नौकरी करोगे? नाम पर जाओगे? तुम्हें कोई और नौकरी नहीं मिली? नहीं चाहिए मैं ऐसी नौकरी। मम्मी ऑर्डर मिल चुका है, अभी तो जाना ही पड़ेगा। जमील मियां तुम्हारे अब्बू दिल्ली गए, वो आ जाएंगे तब उनसे पूछ लेना। उन्हें क्या पूछना, उन्होंने तो कहा था कि अपनी काबिलियत से खुद नौकरी तलाश करूं, तो मैंने कर ली। जमील मियां समझने की कोशिश कीजिए, वहां बंदूकों की गोलियां चलती हैं, बम फटते हैं, खून खराबा होता है। अब आप बताएं कि आपको हम ऐसी जगह पर कैसे भेज दें? अम्मी मैं एक राइटर की हैसियत से फौज में भर्ती हो रहा हूं, वहां लिखने पढ़ने के बहुत काम होते हैं, मुझे भी वैसा ही कोई काम मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं। नहीं बेटा, मेरा तो दिल नहीं मानता। बेटा जंग आखिर जंग होती है, पता नहीं किस गोली पर किसका नाम लिखा हो। तू अपना इरादा बदल दे बस। बस मेरे लिए दुआ कीजिए। कैसी दुआ? हसरत मियां देखिए ना, जमील मियां लाम पर जाने की बात कर रहे हैं, आप समझाइए ना। लाम पर जा रहे हैं? जी हाँ, मैं आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गया हूँ, कल ही मेरी रवानगी है। दिल्ली गए हैं, इनके आने तक रुक जाते? वक्त किसी के लिए नहीं रुकता असरार मियां। अब्बा से कह देना वो गांधी जी के साथ बैठ के सत्याग्रह करते रहे, देख लेना आजाद हिंद फौज बहुत जल्द इस मुल्क को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करा के रहेगी। अरे जमील मियां, मैं तो समझ गई तुम अंग्रेजों की तरफदार हो। पहले था चची जा, मगर अपने बहुत जल्द अंग्रेजों को इस मुल्क से जाना होगा। ऐसे रोएगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? बस दुआ करो कि जंग जल्द खत्म हो और मैं घर लौटा। अमान अल्लाह।
चाची, अम्मी का ख्याल रखना। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी। असरार चाचा, मैंने आपको बहुत सताया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जमील मियां, ऐसी बातें नहीं करते, मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें महफूज रखे। अप्पा से कह देना मुझे माफ कर दे, उनके आने तक मैं रुक ना सका। कह दूंगा, पहुंचकर खत जरूर लिखना, पहुंचकर खत लिखना, खत लिखना पहुंचकर। आलिया बेबी, मुझे उम्मीद है मेरी सारी गुस्ताखियों को आप माफ कर चुके हैं। जमील भाईजान, आप बड़े हैं, मैं छोटी हूं, गुस्ताखी मुझसे ही हुई होगी, आप मुझे माफ करें। नहीं आलिया, आपसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, सारा कसूर तो मेरा है, मुझे आपको परेशान करने का कोई हक नहीं था। जाने अनजाने मैंने जो कुछ भी कहा आप भूल जाइए। शम्मी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जमील मियां, आओ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ रहा हूं। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने चला गया ना, आखिर मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, तो किस चीज की कमी थी उसे? यहां नौकरी आज नहीं तो कल मिली जाती,
इतने गुस्से में आकर दो चार बातें कह दी होंगी हमने, उस पर इतनी नाराज की। हमारा नहीं तो कम से कम अपनी मां का तो ख्याल किया होता ना, चला गया उसे रोता बिलकता छोड़कर। अब देखो रो रो कर हलकान हुई जा रही है। जाते हुए वो आपसे मुआफी मांग रहे थे। खुदा उसकी हिफाजत करे। सिंगापुर के घने जंगलों में पता नहीं किस मास पर होगा। हम जानते हैं हमारी जिद में आजाद इन फौज में भर्ती हुआ है। उससे राब्ता कायम करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है और ना ही कोई ठोस ठिकाना। जाते हुए कह गए थे कि सिंगापुर पहुंचकर खत लिखूंगा, खत में अपना कोड नंबर लिखूंगा जिसके जरिए हम उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने तो सोचा था कि कहीं वो गुस्से में आकर फिरेंगे कि फौज में न भर्ती हो गया। अगर ऐसा किया होता तो हम किसी के मुंह दिखाने के काबिल ना होते, मगर खुदा का शुक्र है कि उसने ऐसा नहीं किया है। आजादी इन फौज भी मुल्क के लिए लड़ रही है। एक तरह से जमील मियां ने आजादी इन फौज में भर्ती होकर हमारा सर फकर से बुलंद कर दिया है। बस दुआ है कि वो सही सलामत लौट आए। आमीन।